प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत अल मदद फाउंडेशन की ओर से गुलबर्गा शहर के खमर कॉलोनी में बीते 25, 26, 27 तारीख को मुफ्त एलपीजी कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1200 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अल मदद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट असगर हुसैन ने कहा, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किया है, अल मदद फाउंडेशन की पूरी टीम उनके घरों तक गैस पहुँचाने का काम करेगी। इस मौके पर आए हुए सभी लोगों ने अल मदद फाउंडेशन के इस काम की काफी सराहना की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल मदद फाउंडेशन के जानिब से जो 25, 26, 27 तारीख को जो कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कैंप सक्सेस हुआ है। 1000 से 1200 डॉक्यूमेंट न्यू एप्लीकेशन जो एलपीजी गैस के यहाँ पर हमारे पास सबमिट हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर गैस दिलाने का काम करेंगे। और मदद फाउंडेशन हर मामले में आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है, तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करेंगे। तो पिछले दिनों में हम जो कैंप किया था एलपीजी गैस का, उसमें भी 530 डॉक्यूमेंट में 450 लोगों को उनके घर तक गैस पहुँचाने का काम करे थे, तो इंशाल्लाह इस बार भी हम काम करेंगे। तो अल मदद फाउंडेशन के जो तमाम टीम है, मैं वो लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ कर अल मदद फाउंडेशन का साथ दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा बनकर काम किया इन्होंने। मैं ये लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 15, 16, 17 अगस्त को और एक हमारी स्कीम नई चालू होने वाली है, तो आपके मीडिया के जरिए से मैं वो भी बताना चाहता हूँ। और तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होती, हमारा मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचता वो लोगों तक। आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी जो भी स्कीम आएंगी आपके मीडिया के जरिए से इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एलपीजी गैस का कैंपस रखा गया था, जिसमें 1000 से 1200 एप्लीकेशन सबमिट किए गए हैं। इससे पहले भी हमने एक कैंप रखा था एलपीजी गैस के, उसमें हम 500 तक लोगों के एप्लीकेशन सबमिट करे थे, लेकिन उसमें 450 एप्लीकेशन को सक्सेसफुली करके लोगों को अपने घरों तक गैस पहुंचाने की कोशिश थी, और वो कंप्लीट भी हो गई, लोगों को उनके घरों तक गैस मिल गए है। इस बार भी इंशाल्लाह जितने भी एप्लीकेशन कर रहे हैं सबको गैस पहुँचाने की कोशिश है, और ये कोशिश सिर्फ अल मदद फाउंडेशन के टीम की तरफ से सक्सेसफुल हो गई। हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से ही ये काम पूरा सक्सेसफुली।